मुंबई में बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव, बांद्रा में लगा भारी जाम। रविवार की छुट्टी के बाद दफ्तर जाने वालों की परेशानी, गाड़ियों की लंबी कतार। मुंबई के अंधेरी में भी बारिश के बाद बड़ी मुसीबत, जलभराव से जूझे यात्री। भारी बारिश का मुंबई की उड़ानों पर भी असर, एयरपोर्ट पर सब कुछ ठप। मुंबई में सुबह से हो रही है बरसात, घाटकोपर में भरा पानी। यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, नाले में गिरी चलती बस, पुल से 15 फीट नीचे गिरी बस, हादसे में 29 लोगों की मौत। लखनऊ से दिल्ली आ रही थी बस, हादसे की वजह का पता नहीं। बस में सवार थे 50 लोग, 20 लोगों का रेस्क्यू। सीएम योगी ने हादसे पर जताई संवेदना, मृतक के परिवार को यूपी रोडवेज की तरफ से 5 लाख का मुआवजा। मुंबई में गिरी इमारत, 5 लोग घायल, करीब 2 बजे हुआ हादसा। लखनऊ की सरकारी पिकअप वैन में आग से अहम फाइलें जलकर खाक, फोरेंसिक टीम मामले की जांच में जुटी। चेन्नई में पानी का संकट बरकरार, कई इलाकों में पानी, पीने के पानी की मुश्किल। राजस्थान के बारा में भारी बारिश, पार्वती नदी में सैलाब। पानी की वजह से कई गांवों का कटा संपर्क, जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे लोग। मंडी में भारी बारिश से टूटा पहाड़, मलबे के ढेर से नेशनल हाईवे 3 ठप। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बारिश से कई जगहों पर भूस्खलन, मुसाफिरों की भारी मुसीबत। यूपी के मुरादाबाद में मानसून की जोरदार बारिश, शहर में जगह जगह सड़कों पर भरा पानी। हरदोई में खूब बरसे काले बादल, 1 घंटे की बारिश से शहर बना समंदर। पठानकोट में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई गांवों में भरा पानी। 24 घंटे की बारिश से नासिक गोदावरी नदी में उफान, निचले इलाकों में रहने वालों के लिए अलर्ट। वाराणसी में बरसात ने खोली नगर निगम की पोल, जल जमाव से लोग परेशान। गुजरात के वलसाड में तेज बारिश से रेलवे अंडरब्रिज में भरा पानी, इलाके के लोग बेहाल। गुजरात के वापी में भी घंटों की बरसात से घरों और दुकानों में घुसा पानी, लोगों का घरों से निकलना हुआ मुश्किल। यूपी के प्रयागराज में भीषण गर्मी से लोगों को राहत, तेज बारिश ने मौसम को बनाया सुहावना। कानपुर में पहली बारिश से खुल गई नगर निगम की पोल, सड़क बनी दरिया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में बारिश के साथ तूफान का कहर, 40 परिवारों का उजड़ा घर बार। यूपी के बाराबंकी में भारी बारिश से हाल बेहाल, सड़क गली सब कुछ पानी पानी। बाराबंकी की कोतवाली में जल जमाव से भरा पानी, चप्पल उतार कर पहुंचे कांग्रेस नेता पीएल पुनिया। गुजरात के छोटा उदयपुर में मूसलाधार बरसात से आफत, फ्लाईओवर में भरा पानी। बिहार के गया में सूखी पड़ी है फल्गु नदी, पिंडदान के लिए आए श्रद्धालु मायूस। नोएडा में पुलिस ने चलाया ऑपरेशन क्लीन, गाड़ियों पर लिखे जाति सूचक शब्द और दबंगई वाले वाक्य हटवाए। राजस्थान के धौलपुर में 3 बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी को मारी गोली, व्यापारी की मौके पर मौत। व्यापारी से 12 लाख की नकदी लेकर फरार हुए बदमाश, वारदात के विरोध में जाम। पटना सिटी में कपड़े की दुकान पर बदमाशों की दबंगई, दुकानदार के साथ मारपीट। कनाडा में सरकार बचाने के जेडीएस और कांग्रेस ने लगाया एडी चोटी का जोर, कुमार स्वामी की अगुवाई में देर रात तक चली बैठक। जेडीएस ने जताया बागी विधायकों के वापस आने का भरोसा, मंत्री पद का दिया लालच। कांग्रेस ने कल बुलाई है विधायकों की बैठक, व्हिप जारी कर बागियों को शामिल होने का निर्देश। मुंबई के होटल में ठहरे विधायकों ने कहा वापस लौटने का सवाल नहीं। कल बागी विधायकों के पर फैसला लेंगे विधानसभा स्पीकर, बीजेपी को स्पीकर फैसले का इंतजार। सियासी संकट के बाद कांग्रेस बीजेपी का ब्लेम गेम, बीजेपी का आरोप ये सिद्धरमैया की कुमारस्वामी को हटाने की साजिश। कांग्रेस का निशाना, कहा बीजेपी की विधायकों की खरीद फरोख से सत्ता हथियाने की चाल। सिद्धरमैया का दावा, गठबंधन सरकार को नहीं कोई खतरा, बीजेपी के मंसूबे नहीं होंगे पूरे। संसद में आज बजट पर चर्चा, करीब आधा दर्जन बिल पेश करने की सरकार की तैयारी। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट के नाम पर बोले कमलनाथ, सभी से चर्चा जारी, जल्द होगा फैसला। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार पर साधा निशाना, कहा सत्ता की हनक में लाठी डंडों की भाषा बोल रहे हैं बीजेपी नेता, कब होगी कार्रवाई। देवरा के इस्तीफे पर कांग्रेस नेता संजय निरुपम का ट्वीट, लिखा यह इस्तीफा है या ऊपर चढ़ने की सीढ़ी। प्रिया दत्त ने मिलिंद देवड़ा के इस्तीफे पर जताया अफसोस, कहा मुंबई कांग्रेस को देवड़ा की जरूरत। शबाना आजमी का नया ट्वीट, लिखा सफदर हाशमी हत्याकांड में मैंने सार्वजनिक रूप से कांग्रेस नेता एचकेएल भगत के खिलाफ लिखा।
शबाना आजमी ने कहा, मैंने इमाम बुखारी को भी दी चुनौती, बोल के लब आजाद है तेरे, बोल जुबां अब तक तेरी है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अध्यक्ष शिवपाल यादव का अखिलेश को न्योता, 2022 में अगर चाहें तो कर सकते हैं गठबंधन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फिर चला अधिकारियों पर चाबुक, 3 जिलों के सीएमओ से जवाब तलब, पद से हटाए गए कई आला अफसर। यूपी में सीएम योगी की सख्ती का असर, बरेली रेंज में 25 पुलिसकर्मियों की सेवा समाप्त। इंदौर में फूड एंड सप्लाई मैनेजर के घर छापा, आय से अधिक संपत्ति का मामला। भरतपुर में पुलिस और गौ तस्करों की मुठभेड़, पीछा करके हुए फरार। आगरा के एक टोल पर मारपीट केस में डावा के बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया ने पुलिस के सामने रखा अपना पक्ष, का आत्मरक्षा में चलाई गोली। हरियाणा के झज्जर में बिजली पानी समस्या पर महिला कांग्रेस का प्रदर्शन, फूका प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का पुतला। अगरतला में कारोबारियों ने स्वच्छता अभियान में लिया हिस्सा, मोदी के सपने को पूरा करना बताया अपना मिशन। दिल्ली के उपराज्यपाल अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की मुलाकात, भ्रष्ट अफसरों को रिटायरमेंट देने की बात। मेरठ पलायन मुद्दे पर वीएचपी नेता साध्वी प्राची का दौरा, दोबारा कमेटी बनाकर जांच कराने की मांग। दिल्ली के पहाड़गंज के होटल के कमरे में मिली लड़की की लाश, पंखे से लटक कर की खुदकुशी, पुलिस की तफ्तीश। राजस्थान के धौलपुर में एक लड़की से गैंगरेप, पड़ोसी लड़कों ने अगवा कर बनाया हवस का शिकार। यूपी के हापुड़ में एक महिला का शव मिलने से सनसनी, पुलिस ने लूट के बाद हत्या की जताई आशंका। यूपी के बागपत में एक महिला और उसके भाई पर बदमाशों ने फेंका तेजाब, महिला ने ससुराल वालों पर लगाया आरोप। दिल्ली के मंगोलपुरी में एक दंपत्ति ने की खुदकुशी, पति ने जहर खाकर दी जान। दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद, बंदूक की नोक पर बैंक लूट का लाइव वीडियो आया सामने। राजस्थान के झुंझुनू में एक शख्स ने खुद को लगाई आग, अतिक्रमण हटाने गई टीम की कार्रवाई से था नाराज। बिहार के लखीसराय में अतिक्रमण हटाने गई टीम का विरोध, लोगों ने सड़क पर जेसीबी के आगे सोकर किया विरोध प्रदर्शन। यूपी के हापुड़ में अंतर्राज्यीय महिला गांजा तस्कर गिरफ्तार, 10 लाख रुपए कीमत का गांजा बरामद। फरीदाबाद में बदमाशों ने एटीएम को धमाके से उड़ाया, 10 लाख रुपए लूटकर हुए फरार। प्रयागराज में एक डॉक्टर के अपहरण से पुलिस की उड़ी नींद, अपहरणकर्ताओं ने फोन पर मांगी 5 लाख की फिरौती। दिल्ली के दयालपुर इलाके में 5 साल की बच्ची के साथ रेप की कोशिश, सीसीटीवी की मदद से आरोपी युवक गिरफ्तार। करनाल में एक डॉक्टर की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा। पंजाब के फरीदकोट में बदमाशों ने एक दुकान में की लूटपाट, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। झारखंड के चाईबासा में अंधविश्वास में महिला ने अपनी मौसी के सीने में गोपा त्रिशूल, महिला की मौत। यूपी लखीमपुर खीरी में पेड़ से भिड़ी कार, कार में लगी आग, सवार की झुलस कर मौत। बिहार के लखीसराय में झाड़ियों में धमाका, 3 बच्चे जख्मी, एक जिंदा बम बरामद, पुलिस तफ्तीश की जुटी। बीती रात मुंबई में तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक दुकान में घुसा, हादसे में बाल बाल बच्चे दुकान में सो रहे 7 लोग। पुणे में झील में डूबने से 2 बच्चों की मौत, तैरने के दौरान हुआ हादसा। लखीमपुर खीरी में प्रेमी जोड़े ने की खुदकुशी, पुलिस के मुताबिक शादी में नाकाम रहने पर पेड़ से लटक कर दी जान। आज फिर गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, बड़ी तादाद में जुटे लोग। अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा के नाम पर सियासत शुरू, महबूबा मुफ्ती ने कहा सुरक्षा के नाम पर लोगों को किया जा रहा है परेशान। अमरनाथ यात्रा के लिए हाईवे बंद करने पर उमर अब्दुल्ला बोले ये प्रशासन की नाकामी दिखाता है। श्रीनगर में मौसीकी से युवाओं को नशे की लत से दूर रखने की अनोखी पहल, एक एनजीओ का प्रयास। अलीगढ़ में एक मुस्लिम महिला को बीजेपी का सदस्य बनना पड़ा महंगा, मकान मालिक ने जबरन खाली कराया मकान। यूपी में कांवड़ यात्रा की तैयारियां जोरों पर, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी ने की समीक्षा बैठक। ग्रेटर नोएडा में एक बिल्डर की वादा खिलाफी पर खरीदारों में रोष, सुविधाएं न मिलने से बिल्डर के दफ्तर का किया घेरा। दिल्ली में आम उत्सव शुरू, 500 से ज्यादा किस्मों की प्रदर्शनी, 3 दिन तक चलने वाले मेले में आम खाओ प्रतियोगिता का भी आयोजन। पंजाब के होशियारपुर में भी आमों का लगा मेला, लोगों ने तरह तरह के आम के स्वाद का उठाया लुत्फ। हिमाचल प्रदेश कुल्लू में सैलानियों का मजमा, 13,000 फीट की ऊंचाई पर लोग ले रहे हैं बर्फ का मजा। वर्ल्ड कप में कल पहला सेमीफाइनल, मैनचेस्टर में भारत की न्यूजीलैंड से भिड़त। वनडे की ताजा रैंकिंग में कोहली विराट 891 अंकों के साथ, बल्लेबाजी में बादशाहत बरकरार। वर्ल्ड कप में बेजोड़ बैटिंग, रोहित शर्मा ने की रैंकिंग में छलांग, 885 अंकों के साथ नंबर 2 पर। गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह की धार और तेज, रैंकिंग में टॉप पर, दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट। टीम रैंकिंग में इंग्लैंड 123 अंकों के साथ टॉप पर, दूसरे नंबर पर टीम इंडिया। महिला क्रिकेटर मिताली राज को उम्मीदें,
टीम इंडिया ही जीतेगी वर्ल्ड कप, फाइनल में इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया से हो सकता है मुकाबला। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने टीम इंडिया की जीत का जताया भरोसा, पाक के साथ क्रिकेट दोबारा शुरू करने के सवाल पर कहा कि विदेश मंत्रालय का मामला है। घर लौटने पर पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद को मीडिया ने घेरा, कहा भारत से हारने के बाद बढ़ गई हैं मुश्किलें। विंबलडन के चौथे दौर में पहुंचे फेडरर, योकोविच ने भी तय किया अंतिम 16 का सफर। रांची से लेकर लीड्स तक बना धोनी का जन्मदिन, बेटी जीवा के साथ धोनी ने किया डांस। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।